अपने डिस्को और सुमधर म्यूजिक सिंगिंग से लाखों संगीत प्रेमियों को दीवाना बनाने वाले भारत में डिस्को म्यूजिक के जनक बप्पी लहरी ने इस दुनिया को अलविदा कहा और निधन के बाद बॉलीवुड में खालीपन पैदा कर दिया है। जाने माने कव्वाल और प्लेबैक सिंगर मुजदबा अजीज नाजा ने बप्पी दा के साथ जुड़ी एक याद शेयर की है। 2007 में हिंदू सरकार के प्रमोशन के सिलसिले में कपिल शर्मा के शो में मधुर भंडारकर बप्पी दा के साथ मेरा भी जाना हुआ। कपिल शर्मा का पूरा एक एपिसोड हिंदू सरकार के प्रमोशन के लिए बनाया गया था। शो में नील नितिन मुकेश कृति कुल्हाड़ी भी मौजूद थी और इस फिल्म में एक गाना बप्पी दा ने गाया था और गाने का नाम था चढ़ता सूरज। जी हाँ, आपको बता दें कि कपिल के शो में मेरा परफॉर्मेंस रखा गया था, उन्होंने कहा, और मैंने उसमें कवाली गाई थी। मुझे बतौर गेस्ट बुलाया गया था। जब बप्पी दा शो में पहुंचे यानी उनकी एंट्री के दौरान मेरी कवाली थी। कवाली के दौरान सेट पर एकदम खामोशी छा गई। इस कवाली की खासियत यही है कि जब मेरे पिता या मैंने इसे गाया तो माहौल एकदम शांत हो जाता था। खैर, बाद में बप्पी दा ने स्पेशली मुझे स्टेज पर बुलाया। जी हाँ, वहीं उन्होंने बहुत सारी बातें कही। शो के बाद मैं वहीं खड़ा था, आपस में बातचीत कर रहा था, तभी बप्पी दा मेरे पास आए और बोले, तुम्हारा आवाज़ बहुत अच्छा है, मैं सुन रहा था, आपका आवाज़ मेरे को टच हुआ, आपका आवाज़ आपके डैडी के जैसा है। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा, यह आपकी दुआ है, आपका आशीर्वाद चाहिए, यह मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपसे मिला। इसके बाद बप्पी दा ने मेरे लिए हाथ रख कर आशीर्वाद दिया। हमने उनके साथ कुछ फ़ोटोज़ भी खिंचवाए। बातचीत के दौरान बप्पी दा ने मेरा फ़ोन नंबर मांगा, लेकिन इत्तेफाक है कि मुझे तत्काल वहां एक शो के लिए निकलना था, मेरी फ़्लाइट थी, मैं उन्हें नंबर देना भूल गया। उन्होंने कहा था कि हम जल्द मुलाकात करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। जी हाँ, आपको बता दें कि मुजतबा खयात महरूम कव्वाल अजीज़ नाजा के बेटे हैं और अजीज़ नाजा की कव्वाली चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा आज भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। नेक्स्ट 9 लाइव से सुरभि की रिपोर्ट।